जब आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? वहां पर जो भी देवी देवता हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी भगवान हैं, आप उनकी आरती करते हैं। आरती में होता क्या है, मंत्रों में होता क्या है? उनकी तारीफें होती हैं, उनके गुण होते हैं, ना कि कोई उनके अवगुण होते हैं। उनके बारे में सब कुछ उसके अंदर अच्छा अच्छा लिखा होता है। हम उनकी तारीफ करते हैं, हम उनके गुणों के बखान करते हैं और इसी के बाद हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। यदि आपके जीवन में कोई भी रिश्ता खराब हो गया है, आप उसकी तारीफें करें, आप उनके गुणों की बखान करें, ना कि आप उनकी कमियों, उनके दोषों, उनकी तकलीफों को उनके सामने रखें, जिससे आपको भी उस रिश्ते का भी अच्छा सुख मिल सके। और कहा भी जाता है ना, कण कण में भगवान है, हर कण में और हर जीव में भगवान है। तो आप मंदिर जाके कर रहे हैं, धर्मस्थल जाके कर रहे हैं, एक बार घर में भी, अपने आसपास भी इस चीज को अप्लाई करके देखिए। आपके सभी ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। राहु केतु तो आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करिएगा इस उपाय को और खुश रहेगा और अपने आसपास भी सबको खुश रखिएगा। जय माता दी।